खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम दशरथपुरी में हंक शोरूम पर मौजूद हैं, जहां पालम से प्रत्याशी विजय पंडित कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। एक जो माहौल यहां क्रिएट किया गया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां आपको तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हंक का मैनेजमेंट नज़र आ रहा होगा, जो विजय पंडित की स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। तमाम तरह के यहां जो हैं बीजेपी के झंडे यहां नज़र आ रहे हैं और कार्यकर्ता जो पहुँचे हैं बीजेपी के पटके के साथ, टोपियों के साथ, और वो पूरी तरह से तैयार हैं विजय पंडित का स्वागत करने के लिए। विजय पंडित के आने के बाद उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और उनसे चुनावी प्रश्न भी करेंगे। हंक दशरथपुरी में स्थित एथनिक व कैजुअल कॉस्ट्यूम का भव्य शोरूम, जहां पालम विधानसभा से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे विजय पंडित ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। हंक शोरूम के डायरेक्टर राज अग्रवाल ने कमल के फूल के साथ विजय पंडित का बड़े जोशीले अंदाज में स्वागत किया। इसके साथ ही हंक शोरूम का पूरा स्टाफ ढोल नगाड़ों के साथ विजय पंडित के स्वागत में नजर आया। विजय पंडित ने कहा कि पालम विधानसभा का 99% यूथ विजय पंडित के साथ है और इस बार भारी बहुमत से पालम विधानसभा में कमल खिलेगा। और इस चुनावी घमासान में पालम विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय पंडित मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज आप हंक में पहुंचे हैं, युवाओं का बेसिकली समर्थन मिला है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? डेफिनेटली यूथ जितना भी है पालम विधानसभा में 99% में मान सकता हूँ, 99% यूथ विजय पंडित के साथ है, उसके काम के साथ है, उसके व्यवहार के साथ है। सारा यूथ अपना बड़ा भाई मानता है और इस कारण से हंक आप देखते हो सारा इस पूरी विधानसभा में हंक जो है बड़ा फेमस है युवाओं के लिए और इनका समर्थन, उनके प्यार हमेशा मिलता रहता है और मैं यहाँ कार्यक्रम में आता रहता हूँ। भावना कोर्ट का कहना है कि पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर चुनाव लड़ रही हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच उतर रहे हैं चुनाव प्रचार? गलत, पानी पहले से ही था, धर्मदेव जी कार्यकाल में था, कहीं कहीं नहीं था, लाइनें पहले से ही थी। और जब आदरणीय मोदी जी पिछली बार 2015 में जब द्वारका में आए थे, उन्होंने स्वयं हरियाणा सरकार से निवेदन किया था और हमारे पालम में जो वाटर टैंक है उसमें उस समय पानी आ गया था। दुर्भाग्य है उस समय हमारी जीत ना हो सकी, सरकार इन्होंने बना ली तो श्रेय इन्होंने ले लिया। और रोडों का हाल आप देख लो, जाकर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग फिसल पड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते अगर जरा सी बूंदाबांदी हो जाए तो। शिक्षा सिसोदिया जो ढिंडोरा पीट रहा है, 9th और 11th के बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, अगर 9th में किसी तरह कम मार्क्स आ गए हैं कह रहे आप ये स्कूल में हम एडमिशन नहीं लेंगे, री एडमिशन आप प्राइवेट करो, कौन सा ढिंडोरा पीट रहे हैं। 15 आपको मालूम है जब ये 70 विधानसभा में 70 वायदे थे तो इन्होंने कहा था दिल्ली में 500 स्कूल बनाएंगे, कौन सी शिक्षा, एक स्कूल का नाम बताओ भाई साहब, कौन सी बिल्डिंग तैयार हो गई, उद्घाटन कर दिया। शिक्षक कमाल करते हैं आप। और ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए आप, 4000 कुछ बसें थी, आज 2700 बसें रह गई हैं, तो कहाँ गया ट्रांसपोर्ट, किस वजह से? ये सब ढोंग धतूरा झूठ है, कोरा फरेब है, लोगों ने एक प्रयोग जरूर किया था दिल्ली में, लोगों ने एक प्रयोग किया दिल्ली में, इन लोगों ने पता नहीं क्या करेंगे, जिस प्रकार का झूठ इन्होंने बोला वो झूठ पकड़ा गया। और भैया काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। और पालम विधानसभा की बात करें, कितने मार्जिन से जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? देखिए सर, वो तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीतेंगे, अंकों में कहना कठिन है, भारी बहुमत से जीतेंगे पालम विधानसभा जी। धन्यवाद। हंक में उपस्थित कुछ महिलाओं ने भी फूलों के साथ विजय पंडित का स्वागत किया। इस मौके पर विजय पंडित ने हंक के स्टाफ के साथ कुछ देर गुफ्तगू की व समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। विजय पंडित के आगमन पर हंक के स्टाफ में एक अलग ही उत्साह नजर आया। और हमारे बड़े भाई 3 बार निगम पार्षद रहे पालम वार्ड से, उनकी जो छवि है, उनके जो कार्यकाल है उसको लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह है। बता दें, दशरथपुरी में स्थित हंक शोरूम युवाओं की पसंद व स्टाइल से जुड़ा है, क्योंकि यहां मल्टी ब्रांडेड कॉस्ट्यूम का एक ऐसा कलेक्शन अवेलेबल है जिसे युवा जनरेशन काफी पसंद करती है, इसलिए हंक में युवाओं से विजय पंडित की मुलाकात चुनाव का हिस्सा भी हो सकती है। तो दशरथपुरी में स्थित हंक शोरूम में हम मौजूद थे, जहां विजय पंडित पहुंचे, यहां मैनेजमेंट ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ विजय पंडित ने कहा कि इस बार पालम विधानसभा से अपनी जीत को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।